अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर हेडलाइंस और मैं हूं सबा गुलजार। वादी कश्मीर एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अगर हम बात करें अभी हम एक मुग़ल गार्डन निशात जो कि काफ़ी मशहूर है उसके बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुल्क भर से जो सयाह लोग हैं वो यहाँ आए हुए हैं हज़ारों की तादाद में, और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी रश देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लोगों के साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं उनका भी रश जो है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें नाज़रीन स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से, शहरी खास में अगर देखें तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो है यहाँ पर ज़ोरों शोरों से जारी है। ऐसे में अगर आपको बता दें, हालांकि अगर आप देखें लेन्स हो या ड्रेनेज हो या फिर फुटपाथ्स हो, यहाँ पे जो है कामकाज का सिलसिला चालू है, तामीराती कामकाज जो है वो लगातार जारी है। वादी कश्मीर की बात करें और अभी अगर हम देखें हम निशात गार्डन के बाहर मौजूद हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कैसे ये कंस्ट्रक्शन का कामकाज जो है वो जारी है। आपको बता दें ये सरकार की तरफ से एक अच्छा कदम हो सकता है, क्योंकि इससे जो है मज़ीद बेहतरी आ सकती है टूरिस्ट सेक्टर में और यहाँ के जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए भी जो है रोज़गार कमाना आसान हो सकता है, उनको कई सारे स्पेयर्स में जो है मौका मिल सकता है ये काम करने का। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काम कैसे लगातार चालू है, दिन रात करके यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि यहाँ पे जो है मज़ीद बेहतरी आ सके। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए कश्मीर हेडलाइंस।